हेलो क्लास, टुडे वी डिस्कस लेक्चर 6 ऑफ अल्कोहल फिनोल एंड ईथर यूनिट 11। अब तक आप लोग डिस्कस किया बेटा अल्कोहल की प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आपने कल का टॉपिक डिस्कस किया था, कल वाले लेक्चर के अंदर वहां पर डिस्कस किया किसके बारे में, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के बारे में। आज हम डिस्कस करोगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ठीक है, हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ ईथर्स के बारे में। ठीक है, यूजेस ऑफ फिनोल्स और अल्कोहल्स के बारे में और उनके डिस्टिंग्विश के बारे में, कि अल्कोहल को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, ईथर को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, फिनोल को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। ठीक है, तो ऐसे में लेक्चर को कंप्लीट करेंगे अपन। देखते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। जब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो हम लोग जब पहला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि किस स्टेट में जो है आपका ईथर जो एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैसियस में होगा। तो आपको एक मेन कंसेप्ट समझा देता हूँ जो हर एक के लिए अप्लीकेबल होता है। जो पहले जो चार होते हैं हमेशा, जैसे हम बात करते हैं हेलोअल्केन्स के लिए इथेनल, सॉरी हेलो मीथेन, हेलो ब्यूटेन तक जो होगा वो सब कैसे होंगे, गैस होंगे। अगले जो आठ होंगे, लगभग 12 तक जो होंगे वो कैसे होंगे, आपके लिक्विड होंगे और उसे आगे सारे जैसे होते हैं आपके सॉलिड स्टेट में मिलते हैं हमेशा। क्लियर मेरी बात? ये सभी के अंदर जो है डिस्कस किया जाता है यही कंसेप्ट। फिर हम बात करते हैं सबसे पहला फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर। हम बात करते हैं डाइमिथाइल ईथर, एंड इथाइल मिथाइल ईथर, ईथर्स आर गैसेस। मैंने आपको क्या बताया था बेटा पहले भी, पहले जो चार कंपोनेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, कैसे होते हैं आपके गैसेस स्टेट में मिलते हैं। क्लियर मेरी बात? फिर हम बात करते हैं व्हाइल अदर्स आर कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। कैरेक्टरिस्टिक्स ईथर स्मेल, जनरली यूज किया जाता है इसका, हम लोग करते हैं लकड़ी वगैरह के अंदर। ठीक है, या तो लकड़ी के अंदर जो वॉश करते हैं, जिसमें यूज करते हैं हम लोग कीट वगैरह जो है, मकड़ वगैरह को खराब ना करे उसको, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है, ईथर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका है फिजिकल स्टेट कलर एंड ऑर्डर के अंदर, तो अजीब सी स्मेल होती है इसकी थोड़ी सी। नेक्स्ट है डाइपोलर नेचर। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसकी, हाई होगी। क्यों होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, देखते हैं यहां पे, बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन, ऑक्सीजन देन कार्बन। The C bond O are strongly polar and have a dipole moment. समझे इस कंसेप्ट को? यहाँ पे O है, इधर क्या लगा हुआ आपके पास, एक आर ग्रुप लगा हुआ, इधर क्या लगा हुआ, आर ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर मेरी बात? ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है, तो एक्सेप्टिंग है ना इलेक्ट्रॉन,
टेंडेंसी होती है नहीं होती, क्लियर है। जब हम डाइपोल मोमेंट का केस देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा बेटा, कहां से कहां जाता है, ऑक्सीजन की तरफ जाता है, कहां से कहां जाता है बेटा, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा। जब कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा तो इट शो सम डाइपोल मोमेंट, शो करेगा या नहीं करेगा। डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे यहां पे, तो ये क्या शो करेगा आपका, पार्शियली पॉजिटिव, ये क्या शो करेगा बेटा आपका, पार्शियली नेगेटिव शो करेगा। क्लियर मेरी बात यहां पे, ये था आपका बेटा डाइपोल नेचर। कितना होगा डाइपोल नेचर इसका, लगभग 1.3d। उसके बाद थर्ड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की तरफ बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है ये तो। एग्जांपल तुम्हारा क्या खड़ा है, साइज क्या है मेरा ज्यादा है, मास भी क्या है मेरा तुम लोगों से ज्यादा मिलेगा ऑलमोस्ट, तो क्या होगा मेरा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जला मत देना मेरे को, कभी बंद करके देखो पेट्रोल डाल के। एग्जाम्पल है CH3 O CH3 CH3 O CH2 H5 CH2 H5 O CH2 CH2 CH3। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो भाई, 24 और 6 30 और 16 46, इसका कितना हो जाएगा 60, इसका कितना होगा बेटा 74 मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं इसका, 250 डबल 36 और 366, क्या हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है बेटा आपका इंक्रीज हो रहा है। क्लियर मेरी बात यहां पे। नेक्स्ट फोर्थ सॉल्युबिलिटी, फर्स्ट थ्री आर सॉल्युबल इन वॉटर बट अदर वंस आर नॉट, बट हायर वंस आर लेस सॉल्युबल। उसके बाद डेंसिटी, ये वॉटर से क्या होते हैं बेटा लाइटर होते हैं, दे आर लाइटर देन क्या शो करता है ग्रेटर डाइपोल नेचर शो करता है, क्यों शो करता है एंड व्हाई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं यहाँ पे, यानी क्या करता है कार्बन का टाइम्स फॉर्म करता है, क्या करता है एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है। ड्यू टू दिस ये क्या करता है पार्शियली पॉजिटिव होता है, क्या होता है पार्शियली नेगेटिव होता है, ड्यू टू दिस रीजन इट शो पोलर बिहेवियर। तो यहाँ से नोट डाउन करेंगे, फिर हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स के बारे में, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा ये ईथरल ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं, और ईथर जो है वो लेविस बेस की तरह भी बिहेव करता है। व्हाट डू यू मीन बाय लेविस बेस, जो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा डोनेट करने की कोशिश करते हैं, ये कर भी देते हैं कई बार, देखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन ऑफ द इथरल ऑक्सीजन, देखे सबसे फर्स्ट एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड,
इन दिस ईथर बिहेव्स एज ए लेविस बेस. कैसे बिहेवियर है देखते हैं एक बार. CH3 O CH3 कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के ऊपर? दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. आप क्या डाल देंगे इसके अंदर? कंसंट्रेटेड HCl. क्या बन जाएगा बेटा यहां पे देखते हैं एक बार. यहां पे क्या है बेटा देखेंगे एक बार. CH3 O CH3 क्या आ जाएगा यहां पे बेटा? H. इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या आएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज. और Cl क्या आ जाएगा आपका? बाहर आ जाएगा. ये क्या फॉर्म करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है फॉर्म करते हैं. क्या नेमिंग देंगे बताओ इसका? डाई मिथाइल आयल ऑक्सियम क्लोराइड. ये जो आपका कंपाउंड फॉर्मेशन होता है. फिर हम बात करते हैं इसी के अंदर कोल्डेस्ट कंपाउंड फॉर्म करने के लिए. CH3 CH2 O CH2 CH3. अरेशन करा दो BF3 का. हाँ भी BF3 जो है कैसा बिहेव करता है बेटा? BH3 कैसा बिहेव करता है? इट बिहेव एज ए लेविस एसिड. क्यों? इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. दो लोन क्या करेंगे यहाँ पे? ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? CH3 CH2 O CH2 CH3. और क्या ले रहे हैं यहाँ पे? BF3. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. फ्लोराइड क्या बोलेंगे? इथरेट ये बोलते हैं इसको हम लोग. फिर हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. मतलब या तो इसमें ब्रेक करेगा ठीक है, ये जो कह रहा है फॉर्मेशन करेगा. तो दो अलग अलग कंडीशंस के क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और समझेंगे. मान लो बस क्या है कंपाउंड है CH3 एक्शन विद हैलोजन एसिड्स. CH3 O CH3 CH2 O CH2 CH3 react with 2H5. क्या देखा बेटा आपने यहां पे? आपने दो चीजें देखी. एक तो क्या ले रहे हैं यहाँ पे एक्सिस में हाइड्रोजन आयोडाइड ले रहे हैं और ये क्या ले रहे हैं बेटा लिमिटेड अमाउंट में क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड ले रहे हैं. क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो हमने क्या पढ़ा? ये तो कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन तोड़ेगा यहाँ पे तो ना, इसको भी तोड़ सकता है यहाँ पे. क्लियर मेरी बात? तो क्या होगा यहाँ पे? ये इसको ब्रेक डाउन करेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको ब्रेक डाउन करोगे क्या निकल जाएगा यहाँ से? CH3 CH2 OH. इथेनॉल बन गया नहीं बन गया? और ये आयोडीन क्या करेगा? चुपचाप जाके इस पर अटैक करेगा तो क्या रहेगा यहाँ पे? CH3 CH2 I. हो गया नहीं हो गया? क्लियर मेरी बात यहाँ पे? हाइड्रोजन बन गया नहीं बन गया? लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सेस अमाउंट में HI ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देगा यहाँ से और क्या निकाल देगा यहाँ से? H2O. और क्या निकल गया बेटा यहाँ पे? आयोडीन जो है इन पोजीशन पे ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2
CH3CH2 इथेन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? मतलब क्या कंडीशन अप्लाई हुआ, अगर लिमिटेड अमाउंट में है तो एक साइड तो अल्कोहल निकलेगा और एक साइड हैलोजन्स निकलेगा, और अगर एक्सेस अमाउंट के अंदर है तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर रिमूव हो जाएगा। क्लियर मेरी बात? ये कंडीशन अप्लाई की गई। तो एक बार यहाँ तक लिखेंगे फिर मैं करवाता हूँ। नेक्स्ट हम डिस्कस करें विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम बात कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में तो सिंपल सा कंसेप्ट आएगा, अगर सल्फ्यूरिक डाइल्यूट हो तो क्या इफेक्ट करेगा, और कंसंट्रेटेड होगा तो क्या इफेक्ट करेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं एक बार। CH3 CH2 O CH2 CH3 रिएक्ट विद वॉटर HOH in the presence of dilute H2SO4। अब क्या करेंगे यहाँ पे, CH3 CH2 O CH2 CH3 वॉटर एड नहीं करना, और क्या लेना आपको यहाँ पे, डाइल्यूट के बजाय कंसंट्रेटेड क्या लेंगे आप यहाँ पे, H2SO4 डालेंगे। क्या डालेंगे यहाँ पे, कंसंट्रेटेड H2SO4। एग्जाम्पल होने अच्छा नहीं लगता है, CH3 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 OCH3 रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो डेट में क्या दिखाई देगा, जब हम डाइल्यूट करते हैं क्या निकल जाएगा यहां से, CH3 CH2 OH निकल गया, नहीं निकल गया। और ये OH भी कहां जाकर अटैक करेगा, इस पोजीशन पे, तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल आ गए आपके पास, 2 मॉलिक्यूल आ गया, आ गया नहीं आ गया, बट जैसे आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हो इसको लिखते हैं CH2H। क्लियर मेरी बात? यहां पे यहां से क्या निकल जाएगा तुम्हारा, CH3OH निकल गया, नहीं निकल गया। अब इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहां पे, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। क्या फॉर्म हो गया बेटा ये, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोप 1 ई बन गया, नहीं बन गया। तो देखेंगे बेटा यहां पे दोबारा एक बार, अगर हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या मिलेगा हमें, अल्कोहल मिलेगा। लेकिन जैसे क्या करते हो ना, तो वाटर डालते हो डाइल्यूट करते हो H2SO4 डाल देते हो इसके अंदर, यू गेट मिथेनॉल, और क्या बन जाएगा ये, अल्कीन्स फॉर्म हो जाएगा, कार्बन जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं इस साइड। ठीक है, तो ब्लैक कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पे। ये था आपके पास विद सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PClF5। तो देखते हैं एक बार यहाँ पे, CH3 CH2 O CH2 CH3 मैं थोड़ा तोड़ के लिख लूंगा, तो क्या है यहाँ पे, Cl बॉन्ड PClF3 और Cl। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं आई थी। अब देखो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, CH3 CH2 Cl यहां से क्या निकल जाएगा, 2 CH3 CH2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, Cl आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया, और क्या निकल दिखाई दे रहा है, POCl3 बन गया, नहीं बन गया कंपाउंड। तो ये आपके पास विद PClF5 के साथ। फिर हम बात करते हैं विद एसिड क्लोराइड्स। नेक्स्ट विद एसिड क्लोराइड। जब हम एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो वी गेट एस्टर्स। क्या मिलते हैं हमें, एस्टर्स मिलते हैं। एस्टर फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR-। तो देखते हो डायग्राम यहां पे, C2H5O C2H5 रिएक्ट विद
CO CL होता है ना, तो क्या जाएगा CL CO CH3, क्या निकल जाएगा यहां से C2 H5 CL, और ये O क्या कर देगा यहां पे बॉन्ड फॉर्म कर देगा, क्या आ जाएगा यहां पे C2 H5 O O C CH3, क्या बन जाएगा ये नेम लिखेंगे इसकी इथाइल इथ एन ओ एट, क्लियर हो गया, यहां पे ये फॉर्म करते हैं हम लोग इसके अंदर। फिर हम लोग बात करते हैं यहां पे एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट, हमारा थर्ड है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द अल्काइल ग्रुप। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड, CH3, CH2, CH2, CH3, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हम ऑक्सीजन प्रेजेंस में लेंगे बेटा, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या मिल जाएगा हम यहाँ पे देखेंगे एक बार, CH3, CH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल ओ एच, बॉन्ड ओ CH2, CH3, ये ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा इस पोजीशन पे अटैक करेगा और क्या फॉर्म करेगा अपने डबल ओ एच बॉन्ड जो है वो फॉर्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं एक बार यहाँ पे इसकी नेमिंग देखते हैं एक बार, वन इथ ऑक्सी इथाइल हाइड्रो पर ऑक्साइड, क्या बन जाएगा आपके पास वन इथ ऑक्सी इथाइल हाइड्रो परऑक्साइड, तो ये आपकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। ये मैं आता नोट डाउन करें फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा हमारा बी पार्ट है हैलोजिनेशन। यहाँ हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन अल्काइल ग्रुप, किस पे ऐड करेंगे बेटा हम लोग अल्काइल ग्रुप पे विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, तो कैसे होगा बेटा यहाँ पे CH3 O CH2 O CH3 react with Cl2 bond Cl, क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 CH3, एक Cl मान लो इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा हाइड्रोजन, और इसके Cl के साथ बॉन्ड क्या निकल जाएगा यहाँ पे HCl, क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 O CH Cl CH3। आप दोबारा क्या करेंगे इसके अंदर Cl bond Cl ऐड कर दो, एक इस पर अटैक करेगा इस पोजीशन पे क्या निकल जाएगा यहाँ से HCl, क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 CH Cl O CH Cl CH3, ये फॉर्मेशन होता है आपके। इसी तरह क्या कर सकते हैं हर एक कार्बन के ऊपर क्लोरीन का अटैक करा सकते हो, हैलोजनेशन फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपके बार बार आ रहे हैं, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन। ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे HNO3 ऐड कर रहे हैं यहाँ पे CH3Cl, जिस भी पोजीशन पे ब्रोमीन अटैक करेगा वहां से क्या निकलेगा एच निकलेगा Br ऐड हो जाएगा, NO2 ऐड करेंगे H2O बाहर और CH3 ऐड करेंगे तो HCl बाहर। तो ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेल्फ करना है, कोई डाउट ना हो इसके अंदर, कोई दिक्कत ना है किसी को भी, ठीक है, क्योंकि हम लोग एल्कोहल में भी कर चुके हैं, हम लोग हैलोल के सेलोरिस में भी कर चुके हैं, तो ये बार बार आ रहे हैं आपके, तो कोई डाउट नहीं इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ तक करेंगे आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होता है, कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स के बारे में। थैंक यू।